नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे टीवी। मैं हूं साक्षी पत्रा और ये है बाजार टुडे, एक ऐसा शो जहां पर हम बात करते हैं स्टॉक मार्केट्स के बारे में और आपको बताते हैं कि करंटली मार्केट्स में किस तरीके के ट्रेंड्स आपको देखने को मिल रहे हैं, कहां तेजी और मंदी है और खास तौर पर कहां पर आपके लिए खरीदारी के मौके बन रहे हैं। इन सभी बातों पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ नीरव चेरा जुड़े हुए हैं निर्मल बैंक से, टेक्निकल और डेरिवेटिव्स के जाने माने जानकार। बहुत बहुत स्वागत है नीरव आपका इस खास शो पर। तो सबसे पहले तो फ्राइडे का दिन है, हफ्ते का आखिरी दिन, एक ट्रंकेटेड वीक हमने देखा जहां पर कुछ तेजी और कुछ मंदी देखने को मिली। पिछले 2 दिनों में तेजी थी लेकिन आज एक बार फिर से लैकलस्टर मूवमेंट एक तरीके से कह सकते हैं जब हमें बाजार में देखने को मिल रहा है। ना ही केवल बेंचमार्क सेंसेक्स और निफ्टी अभी लाल निशान में है लेकिन सेक्टर्स की भी अगर बात करें तो ज्यादातर सभी सेक्टर्स इस समय लाल निशान में ही ट्रेड कर रहे हैं। ऐसे में अभी मार्केट का सेटअप आपको कैसे लग रहा है और इन्वेस्टर्स को क्या सलाह देंगे अभी अप्रोच करने के लिए मार्केट्स को? देखिए, पहली बात तो बहुत इम्पोर्टेंटली जो निफ्टी अभी 18,000 से गिरी है रिसेंट में, वो अपने 50% रिट्रेसमेंट पे आई है। जो हमने फॉल लास्ट अक्टूबर से अभी 18,500 से 15,200 तक में देखा, वो फॉल का 50% रिट्रेसमेंट 16,900 के पास में आता है। वो लेवल रिटेस्ट हुआ है, अपना 200 डे मूविंग एवरेज भी 16,950 के पास में है, वो लेवल रिटेस्ट हुआ है। तो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल ये रिटेस्ट हुआ है निफ्टी के लिए और वहां से बाउंस आया है। That means, निफ्टी में स्ट्रेंथ है एंड मोस्ट डेफिनेटली अब यहाँ से ऊपर ही जानी चाहिए निफ्टी। निफ्टी में ऊपर अपर साइड 17,600 17,800 के जो लेवल्स हैं वो रिटेस्ट होने चाहिए ऊपर में एंड प्रॉबेबली यू नो इन अ मंथ्स टाइम 18,100 भी निकाल देना चाहिए ऊपर के साइड में। सो आई बिलीव कि यहाँ से बाइंग करने में ही भलाई है। सिमिलरली बैंक निफ्टी में भी मुझे लगता है 38,000 के जो लेवल्स हैं बहुत अहम थे जो रिटेस्ट हुए हैं और फिर से बाउंस आया है, तो अब 38,000 का लेवल टूटना थोड़ा मुश्किल है। तो यहाँ से ठीक है, टूटना चाहिए और डेफिनेटली स्मॉल कैप एंड मिड कैप स्पेस जो है वो स्पेस में आप रहिए। वो स्पेस अब लास्ट 3 से 6 महीने में लार्जर कैप्स को एक्चुअली आउट परफॉर्म कर रहा है एंड विच इज अ वेरी गुड साइन, और मेरे हिसाब से अगले 2-3 महीने में भी आउट परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो स्मॉल कैप और मिड कैप स्पेस में आप नजर रखिए, ये स्पेस ऑलरेडी आउट परफॉर्म कर रहा है बेंचमार्क्स को और आगे जाते हुए भी यही लीड कर सकता है, तो डेफिनेटली स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स पर अब आपकी नजर हो जानी चाहिए। आपने ये तो बता दिया कि कैपिटलाइजेशन के हिसाब से कहाँ पर फोकस करना है, ये भी बता दीजिए कि सेक्टर्स में अभी कहाँ पर मौके जनरेट होंगे। एक फेस्टिव सीजन चल रहा है, क्या यहाँ पर कंजम्पशन थीम के ऊपर लोगों को फोकस करना चाहिए? कई लोग यहाँ पर गाड़ियां खरीदते हैं, ऑटो स्पेस की आपने भी कई बारी बात की है, बहुत से स्टॉक्स भी रेकमेंड किए हैं, क्या उस स्पेस पर अभी बने रहना चाहिए? कहाँ पर आपको लगता है कि सबसे ज्यादा रिटर्न्स इस फेस्टिव सीजन में देखने को मिल पाएंगे? देखिए, ऑटो स्पेस डेफिनेटली अच्छा कर सकता है, स्पेशली ऑटो एंसिलरी, ये एक स्पेस है जिसमें रहना ही चाहिए क्योंकि कंजम्पशन बहुत अभी इंडिया में बढ़ चुका है और बढ़ने की आशंका है। स्पेशली उन्होंने सारे स्टॉक्स के चार्ट जो हैं बहुत ब्यूटीफुली प्लेस्ड हैं और अच्छा कर सकते हैं। दूसरा, ब्रॉडर बेस्ड बाइंग आ सकता है निफ्टी में स्टॉक्स में जो स्पेशली मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्पेस में है, तो सारे ही सेक्टर परफॉर्म कर सकते हैं। सो ऑटो हो गया, प्रोबेबली बैंकिंग हो गया, यू नो सम स्टॉक्स इन द केमिकल सेक्टर जो आउट परफॉर्म कर सकते हैं। दूसरे यू नो कंजम्पशन थीम में यू नो कुकर्स एंड एफएमसीजी स्पेस जहाँ पे यू नो दोस कैन डू प्रिटी वेल, बट ओनली द स्मॉल कैप मिड कैप स्पेस, लार्जर कैप शायद इतना नहीं चले। तो ये स्पेस डेफिनेटली ब्रॉडर बेस बाइंग आ सकती है, मगर ऑटो स्पेस एज यू राइटली सेड will see a broader base buying in most of the stocks. नीरव, आज के लिए आपके पसंदीदा स्टॉक रिकमेंडेशंस कौन से होंगे और वो कौन से सेक्टर से आपने चुने हैं? देखिए, ऑटो स्पेस के बहुत सारे स्टॉक्स मैंने रेकमेंड किए हैं आप ही के शो में, तो मैं थोड़ा ब्रांच आउट करना चाहूंगा। आज के लिए दोनों जो स्टॉक्स हैं वो दूसरे सेक्टर के हैं। वाबाग है पहला स्टॉक, वाटर बेस्ड स्टॉक है। मेरे हिसाब से ये स्टॉक में एक बहुत बढ़िया पैटर्न बना है, फॉलिंग ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हुआ है, वहां से 300 तक गया स्टॉक, 310 तक गया, वहां से नीचे आया है, वो जो ब्रेकआउट है वो रिटेस्ट किया है 270 का, उसके बाद वापस वॉल्यूम से आज बाइंग आई है। आई बिलीव ये स्टॉक अच्छा खासा ऊपर में बढ़ सकता है, 300-310 तक जा सकता है, तो करंट भाव पे खरीदिए, 267 का आप स्टॉप लॉस लगाएं, 300 का आपका टारगेट रहेगा। दूसरा जो स्टॉक है वो है स्टोक क्राफ्ट।
स्टोक क्राफ्ट इज अगेन द कंजम्पशन थीम। मेरे हिसाब से ये स्टॉक बहुत बढ़िया पैटर्न बना रहा है, हालांकि अभी जस्ट लिस्ट हुआ है, वेरी अर्ली डेज, बट मोस्ट डेफिनेटली यू नो एक ब्रेकडाउन आया था स्टॉक में, और उसके बाद जो कंसोलिडेशन और वॉल्यूम्स आए हैं बढ़िया आए हैं स्टॉक में। अब यहाँ से तैयार है स्टॉक वापस 850-900 तक जाने के लिए, जो मेरे लंबे टारगेट्स हैं मीडियम टर्म परस्पेक्टिव से, मगर शॉर्ट टर्म में भी आप इसे खरीदी कर सकते हैं। 52 का आप स्टॉप लॉस लगाएं और 690 का आपका टारगेट रहेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नीरव हमारे सभी दर्शकों के साथ मार्केट्स की इनसाइट शेयर करने के लिए, और दो स्टॉक्स भी रेकमेंड करने के लिए, वाटेक वाबाक और स्टोव क्राफ्ट। ये पसंदीदा स्टॉक्स आज बताए हैं नीरव ने। स्टॉप लॉसेस और टारगेट्स का जरूर ध्यान रखिए अगर आप यहाँ पर निवेश कर रहे हैं, और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खास शो पर बने रहने के लिए। थैंक यू। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।